हेलो स्टूडेंट्स मैं चंद्रभान प्रजापति लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं इंटरव्यू में सफल होने के लिए उपयोगी टिप्स या इंटरव्यू के दौरान जो जो भी ऐसी महत्वपूर्ण पहलू हैं या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रत्येक छात्र को पता होना ही चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं चाहे वो इंटरव्यू के पहले के समय की तैयारी हो चाहे वो इंटरव्यू के दिन की तैयारी हो या फिर इंटरव्यू के दौरान किए कर किए जाने वाले अथवा जो ना किए जाने वाले कार्य हैं उन सभी का आपको ध्यान देना है तो जैसा कि आप जानते हैं डिप्लोमा या डिग्री के जो अंतिम वर्ष में या फिर जब डिप्लोमा या डिग्री कम्प्लीट हो जाती है तो जॉब पाना सभी छात्रों का एक मात्र लक्ष्य होता है तो इंटरव्यू या साक्षात्कार जॉब पाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तो आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो छात्र यदि सुनियोजित तरीके से तैयार कर स्वयं को जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं उसमें सफल होकर के एक बहुत ही अच्छी नौकरी पा सकते हैं तो आइए हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू के मुख्य जो पहलू हैं वो कौन कौन से हैं तो इंटरव्यू की जो पूरी प्रक्रिया है अगर हम उसको तीन भागों में बांट दें वो तीन भाग हैं एक तो हम कह लें कि इंटरव्यू के पहले का समय एक हम कहें कि इंटरव्यू के दिन का समय यानी जिस दिन हम आपका इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के दौरान यानी पूरी जो इंटरव्यू की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने उसको तीन चरणों में बांट दिया इंटरव्यू के पहले का समय इंटरव्यू के दिन का समय और इंटरव्यू के दौरान तो आइए एक एक चरण या पहलू पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू के पहले का समय यानी अभी जो समय चल रहा है अभी आपकी कंपनी नहीं आई है इंटरव्यू का अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है तो आपको कौन कौन सी ऐसी तैयारियां रखनी है इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले तो आपको चेकलिस्ट बना लेनी है चेकलिस्ट में एक एक चीज आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रखना है उसमें सबसे पहला जो आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे तैयार करके रखें यह हमेशा कोई भी स्टूडेंट हो अपना रिज्यूमे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तैयार करके हमेशा रखना ही रखना है और संदर्भ के लिए अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया है और मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मैंने संलग्न करके दे दिया है आप उसको डाउनलोड करके उसमें आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं जो फॉर्मल ड्रेस होती है ए, किसी छात्र के लिए जैसे काला पेंट सफ़ेद शर्ट काले जूते ये छात्रों के लिए और यदि छात्राएं हैं तो काला ट्राउज़र पहन सकती हैं सफ़ेद शर्ट फ्लैट जूतियां ऊंची हील वाली जूतियां आपको नहीं पहननी है तो तैयार रखना है आपको और जांच लें कि शर्ट का कोई बटन ना टूटा हो तथा कहीं से सिलाई सिलाई ना खुली हो और जूते जो हों आपके पॉलिश हों तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान दे लेना है इंटरव्यू के पहले पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो कहते हैं जो दस्तावेज रखने वाला जो आपका पोर्ट फोल्डर होता है उसको तैयार करके रखें और जिसमें सभी शैक्षिक तथा अशैक्षिक प्रमाण पत्र एक क्रम में लगे हों शैक्षिक मतलब शुरुआत से आप लीजिए सबसे पहले डिप्लोमा फिर उसके बाद आप इंटर फिर हाई स्कूल इसके अलावा जो अन्य आपके प्रमाण पत्र हैं एन किया है एनएसएस किया है कोई आपने उपलब्धि हासिल की है वो सारे प्रमाण पत्रों को एक क्रम में आप लगा करके रखें इसके साथ साथ सभी प्रमाण पत्रों तथा रिज्यूमे कि कम से कम दस फोटोकॉपी करवा करके कई सेट उसके तैयार रखें तथा दस से पंद्रह पासपोर्ट साइज फोटो बनवा कर भी पोर्टफोलियो में आप रख लें इसीलिए दस दस फोटोकॉपी के सेट कह रहे हैं कई बार जॉब फेयर होता है तो जॉब फेयर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं तो कई बार अलग अलग जगह रिज्यूमे हमको देना पड़ता है और उसके साथ में एक फोटो भी देनी पड़ती है कई बार ज्यादा भी जरूरत पड़ जाती है तो हमको एक पहले से ही कई सारे सेट बना करके रख लेने चाहिए ताकि उस समय एन मौके पर हमको कोई दिक्कत ना हो अगला है इंटरव्यू के स्थान जहाँ वेन्यू है कहाँ इंटरव्यू होना है का पता तथा समय कन्फर्म करके अपनी डायरी में नोट कर लें तथा वहाँ का दूरभाष संख्या भी नोट कर लें कोई ना कोई मोबाइल नंबर कोई लैंडलाइन नंबर कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि आप वहाँ को जा पहुँचने में जाने में आपको कोई समस्या या दिक्कत ना हो दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए आपको जाना है उसके बारे में इंटरनेट यानी गूगल में सर्च करके आवश्यक तथ्य जरूर जुटा लें जैसे कंपनी क्या क्या कार्य करती है उसका वार्षिक टर्न कितना है और उसकी शाखाएँ कहाँ कहाँ हैं इत्यादि तो ये बड़ी महत्वपूर्ण इससे क्या होता है कई बार पूछ लेते हैं जैसे कंपनी वाले कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं कि आपने कभी कंपनी का नाम सुना है तो आप जब उनको बताएंगे कि हाँ सर आपकी कंपनी तो नंबर वन है पूरे इस इंडस्ट्री में मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाती है तो ट्रांसफार्मर निर्माण में अग्रणी कंपनी है आपके प्लांट यहाँ पर हैं आपका दूसरा प्लांट वहाँ पर है रिसेंटली आपने तीसरा प्लांट और कहीं डाला है और आपके ये ये सर्टिफिकेशन है आपको अवार्ड मिल चुके हैं तो उससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे लगता है कि लड़का बिल्कुल एक्टिव है स्मार्ट है उसको सारी चीज़ों की जानकारी है तो पहला इंप्रेशन ही आपका बहुत अच्छा चला जाता है अगला है जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे संबंधित कम से कम दो तीन विषय जो आपने डिप्लोमा में या अपनी डिग्री में पढ़े हो अपनी पसंद के तैयार कर लें दो तीन विषय इसलिए सपोज़ करिए आप मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है और वो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में जा रहा है तो उससे संबंधित बेसिक इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट और जो मैन्यूफैक्चरिंग से संबंधित कुछ पार्ट इस तरीके के दो तीन सब्जेक्ट ज़रूर अच्छे से थोड़ा पढ़ लें ताकि आपको वहाँ से कुछ पूछे जाए प्रश्न तो आप उनका जवाब दे सकें अगला है अपने पसंदीदा विषयों की अच्छी जानकारी रखें तथा जो भी विषय आपने डिप्लोमा में पढ़े हों उनके बेसिक कॉन्सेप्ट तथा कम से कम उनकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के नाम अवश्य याद रखें कई बार पूछ लेते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप कहते हैं हाँ कहते हैं अच्छा किस बुक से आप पढ़ते थे तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनके नाम आपको ज़रूर याद रखने चाहिए और वहाँ पर बता देना चाहिए अपने रिज्यूमे में वही तथ्य इंगित करें जिसका प्रमाण पत्र आपके पास हो आप अपने रिज्यूमे में कोई ऐसी बात ना लिखें कि मैंने नंबर वन प्राइज जीता फिर वो कहेंगे दिखाइए आपका सर्टिफिकेट कहाँ है वो आप ना दिखा पाएं तो उससे इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा तो आपके पास किसी न किसी रूप में कुछ प्रमाण पत्र या कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो जिसके आधार पर आपने अपने बायोडाटा या रिज्यूमे में आपने कोई तथ्य इंगित किया है तो रिज़्यूमे में आपने जो भी हॉबी लिखी है हॉबीज़ का लिखते हैं कई बार कि हमारी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना है या खाना बनाना है या गाने सुनना है तो जो भी हॉबीज़ आपने लिखी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी पहले से रखें उदाहरण के लिए यदि आपने अपनी हॉबी क्रिकेट खेलना लिखा है तो क्रिकेट के बारे में पूरे तथ्य जुटा लें जैसे क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है बॉल का वज़न कितना होता है बैट की डायमेंशंस कितनी होती है पसंदीदा खिलाड़ी कौन है उससे संबंधित समस्त जानकारियाँ क्रिकेट के विश्व रिकॉर्ड वर्तमान में खेली जा रही सीरीज़ इत्यादि कोई मान लीजिए क्रिकेट सीरीज़ चल रही है टी वर्ल्ड कप चल रहा है या कुछ और चल रहा है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है आखिर वो हॉबी है आपकी तो उसके अब बारे में पूरे उस क्षेत्र के बारे में आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए यह आपका प्रयास होना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं ये तो तैयारी होगी पहले के इंटरव्यू के पहले के समय की कि ये सब चीज़ें आपको रखनी है जब आप अपना रिज्यूमें बना रहे हों पोर्टफोलियो सब चीज़ों का मैंने बता दिया अब इंटरव्यू के दिन का समय यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है उस दिन आपको क्या क्या तैयारी करना है तो इंटरव्यू जिस दिन आपका होना है तो इंटरव्यू प्रारंभ होने के कम से कम आधा एक घंटा पहले आप स्थल पर पहुँच जाएँ जो वेन्यू है और अपने आप को रिलैक्स करें लेट लपेट आप पहुँचेंगे तो हाँपते हुए मान लीजिए नंबर आ जाएगा आप पहुँचेंगे तो एकदम से कई बार प्रेशन खराब हो जाता है तो इंटरव्यू स्थल पर उपस्थित लोगों से शिष्ट तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार करें कई बार क्या होता है बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं कि आपका गेट में जब जो अभ्यर्थी होता है एंटर करता है तो वहीं से उसका पूरा असेसमेंट शुरू कर दिया जाता है वो आया गार्ड से उसने कैसे व्यवहार किया अंदर आकर के उसने क्या किया यहाँ वहाँ कोई थूक तो नहीं रहा था रस्ते में तो कई बार वो पूरा असेसमेंट कैमरे से सारा देख लेते हैं पूरे उसमें कैमरे लगे होते हैं और वहीं असेसमेंट कर लेते हैं कि इस व्यक्ति का जो अभ्यर्थी है या छात्र है यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है उसका व्यवहार और आचरण कैसा है तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती हमेशा हमको शिष्ट रहना चाहिए और सभी के प्रति हमको सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए जब सामान्य परिस्थितियों में जब हाथ मिलाने की बात हो तो हाथ मिलाइए और आई कांटेक्ट करने की बात हो तो आई हमेशा जब किसी से बात करिए तो आंखें चुरा कर नहीं आई कांटेक्ट करते हुए मैत्रीपूर्ण व्यवहार करिए अभी के जैसे कोविड नाइन्टीन की जो सिचुएशन है तो उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट से मना किया जाता है तो आप हाथ मत मिलाइए उसमें नमस्ते कर लीजिए हाथ जोड़ करके आप नमस्ते कर सकते हैं और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कर सकते हैं जैसा समय है लेकिन आई कॉन्टैक्ट रखते हुए आँख संपर्क अच्छा स्थापित करते हुए सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें जो आपके अन्य साथी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं इंटरव्यू के समय में यदि देरी होती है तो अपना धैर्य न खोएं तथा प्रतीक्षा करें कई बार क्या होता है कि धैर्य खो देते हैं कि दिन भर से बैठाए हो गए अभी तक नंबर नहीं हमारा आ रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं तो उससे वो कई बार आपकी परीक्षा भी ले रहे होते हैं कि जो अभ्यर्थी आया है उसके अंदर कुछ धैर्य है कि नहीं कई बार लोग आपा खो देते हैं तो उसी में उनका वो उसको आउट कर देते हैं कि ये तो जब इसके अंदर पेशेंस ही नहीं नौकरी चाहता है और बैठ नहीं सकता तो फिर इसके ऐसे व्यक्ति का क्या फ़ायदा तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के दौरान तो इंटरव्यू के दौरान हम बात करेंगे डूज की यानी कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना है और डोंट्स की यानी कि इंटरव्यू के दौरान क्या आपको नहीं करना है तो इंटरव्यू के दौरान डूज एंड डोंट्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आप क्या करें यानी क्या क्या आपको बातें हैं जो ध्यान रखनी है और उसको करना है सबसे पहले तो जब इंटरव्यू कक्ष का आप दरवाज़ा खोलें तो उसको नम्रता पूर्वक खोलें तथा प्रवेश हेतु बोर्ड से ही इस प्रकार अनुमति लें कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं यदि कोई छात्रा है मैं आई कमिन सर मैडम मतलब कहने का यह है कि आप जब भी अंदर जाएं जहाँ इंटरव्यू दें तो परमिशन लेकर ही जाएँ अंग्रेज़ी में बोलें या हिंदी में वो आपकी इच्छा है दूसरा यदि आपको अनुमति मिल जाती है कि यस प्लीज़ कम इन या अंदर आ जाइए तो अनुमति मिलने के पश्चात कक्ष में प्रवेश करें तथा नम्रता पूर्वक दरवाज़ा बंद करके धन्यवाद या थैंक यू जरूर कहें ये जरूर दरवाज़ा ये नहीं कि भड़ाक से आपने बंद कर दिया ये सब चीज़ें नहीं तीसरा क्या है पूरे इंटरव्यू पैनल मान लीजिए कोई इंटरव्यू पैनल का मतलब है कि दो तीन चार लोग बैठे हैं कई बार हो सकता है सिंगल या दो लोग हों कई बार तीन लोग तो पैनल यदि है तो गुड मॉर्निंग जैसे अगर सुबह का टाइम है बारह बजे के पहले दोपहर का समय है तो आप गुड आफ्टरनून कर दीजिए शाम का समय है तो गुड इवनिंग कर लीजिए सर सबसे जो तो पैनल में आपको इस तरीके से व्यवहार करना है यदि पैनल में कोई महिला सदस्य हो तो उसका अभिवादन पहले करें और फिर बाकी लोगों का अभी अभिवादन करें पूरे पैनल का एक साथ भी अभिवादन आप कर तो इस तरह से ए, अगली बात है कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आपको बैठना नहीं है और जब वो बैठने के लिए कहें तो ए, आपको थैंक यू बोल करके बैठ जाना है तो बैठने के बाद आपको थैंक यू जरूर कहना है इस बात को नहीं भूलना है जब वो बैठने के लिए कि प्लीज सुड सिट डाउन या आप बैठिए तो आपको बैठना है और थैंक यू बोल देना है बैठने के पश्चात अगला है पूरे इंटरव्यू के दौरान अच्छा आई संपर्क यानी आई कांटेक्ट बना करके के रखें इधर उधर ना देखें शर्माएं नहीं और ना ही किसी को घूर करके देखें कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट जब आंखें आई कांटेक्ट ही नहीं सामने वाले से करता है तो उससे ये पता चलता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना नहीं है विश्वास नहीं है इधर आंखें चुराना शर्माना इधर उधर देखना तो उससे काफ़ी चीज़ें लगती हैं कि ये तो बड़ा परेशान है शर्मीला टाइप का है जब न बा नज़रें मिलाकर बात ही नहीं कर पा रहा है तो उससे बड़ा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है न किसी को देखें तो बिल्कुल घूरते ही देखते रहें या कोई वहाँ पर कोई महिला स्टाफ है तो उसको ही आप घूरने लगें तो ये सब काम आपको नहीं करना है चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है दूसरा है साफ तथा स्पष्ट बोलें ताकि इंटरव्यू वाले को आपकी बात समझ आ जाए ये नहीं कि बिल्कुल धीरा धीरा अपने मुंह में ही बोल लिया सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा है तो इतनी आवाज में बोलिए स्पष्ट बात बोलिए कि इंटरव्यू जो पूछे हैं आपसे प्रश्न उस बात को आपके आंसर को सुन लें उसको समझ लें अगला है इंटरव्यू के दौरान पूछे गए प्रश्नों का हार्दिक तथा सम्मानपूर्वक जवाब दें यह नहीं कि कुछ भी पूछा और आपने तड़ाक से उत्तर तपाक दे दिया हाँ ये होता है इस तरह से नहीं बहुत सम्मानपूर्वक रिस्पेक्टफुली आपको मन से उत्तर देना है जो भी आपको आता है सोच समझ कर जवाब दें अचानक से मत बोल पड़ें हड़बड़ाहट में मत बोलें या बहुत तेज आवाज में या ऊंची आवाज़ में ना बोलने लग जाएं ऐसा नहीं करना है आराम से जो प्रश्न पूछा गया है पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए तब उसका फिर उत्तर देना प्रारंभ कीजिए अगला क्या है पूछे गए प्रश्न का सही तथा संक्षिप्त उत्तर दें तो यदि कोई प्रश्न पूछा है तो सही उत्तर दें किसी को घुमाने का प्रयास ना करें और संक्षिप्त में बताएं जब तक कि वो कहें ना डिटेल में बताने के लिए तो यदि कोई प्रश्न यदि आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि सॉरी सर या सॉरी मैम कृपया प्रश्न को दोहरा दीजिए इस तरह से रिस्पेक्टफुली आप पूछ सकते हैं सॉरी सर या सॉरी मैम कृपया प्रश्न को दोहरा दीजिए ठीक है तो इस तरह से आप पूछेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि चलिए ये प्रश्न शायद समझ नहीं आया या सुन नहीं पाए अगला है यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हों तो आप अपना उत्तर इस प्रकार से दें सॉरी सर या सॉरी मैम मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है अथवा सर मैंने इस विषय में सुना ज़रूर है परंतु इस समय मुझे इसका उत्तर याद नहीं आ रहा है तो ये दो सेंटेंसेस हैं आपको बिल्कुल माइंड में इसकी प्रैक्टिस कर लेना है कि सर या मैम मैंने सॉरी सर या मैम मैंने इस विषय में सुना तो जरूर है किंतु इस समय मुझे इसका उत्तर याद नहीं है तो वो लगेगा कि नहीं रिस्पेक्टफुली अगर ये ईमानदार ऑनेस्टी का पता चलता है कि नहीं है तो कम से कम बता रहा है स्टूडेंट जो भी उसकी सच्चाई है यह नहीं कि घुमाने घुमा फिरा करके उल जलूल लपेटना शुरू कर दिया इधर उधर की बात करना शुरू कर दिया वो अच्छा नहीं लगता है इंटरव्यू को गंभीरतापूर्वक लें मजाक में न लें हमेशा जो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें यानी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें प्रसन्नचित रहें उल्लसित रहें और आत्मविश्वासी दिखें यानी कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए हैप्पीनेस टेंशन तनाव को एक तरफ आप रख दीजिए उत्तर देते समय ईमानदार तथा प्राकृतिक रहें नेचुरल रहें ऑनेस्ट बिल्कुल जो आप हैं रियल में वही आप उनको दिखने चाहिए कई बार झूठे या यो फर्जी टाइप के उनको लग जाता है कि अरे ये तो फर्जी बात बोल रहा है और बिल्कुल बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है तो वो उस बात को पकड़ लेते हैं तो उससे इंप्रेशन ख़राब हो जाता है इंटरव्यू समाप्त होने के पश्चात इंटरव्यू पैनल का थैंक यू सर थैंक यू मैम बोलकर अभिवादन करें तथा सम्मानपूर्वक यानी रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से विदा लें अब कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं करनी है डोंट्स तो वो ऐसी चीज़ें हम बात कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी हैं दरवाज़े को ना ही जोर से खोलें और ना ही जोर से बंद करें यानी धड़ाम से झटका दे करके खोला और झटके से उसको दरवाज़ा बंद कर दिए धड़ाम की आवाज़ आई ऐसा नहीं करना है कुर्सी पर बैठते समय उठते समय आवाज़ ना करें कई बार भड़बड़ाना कुर्सी उठाया खिसका दिया ची पी की आवाज़ आने लगी वो अच्छा नहीं लगता है तो अच्छे से बैठिए कुर्सी में अगर बैठने को कहा है तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए एक के ऊपर एक पैर रख कर बैठना झुक कर बैठना सुस्ताने या आराम करने की स्थिति में ना बैठें इस तरीके से नहीं बैठने कि एक के ऊपर पैर रख के बैठ गए या फिर सुस्ताने की आवाज़ में या नीचे कमर या सर झुका करके कर कर बैठ गए ये सब आपको नहीं करना है एक सही स्थिति जो कुर्सी में बैठने की होती है रिस्पेक्ट के साथ उस तरह से आपको बैठना है अपनी भुजाओं को फैला फैलाकर अथवा अपनी उंगली या हाथ इंटरव्यू वाले की लेने वाले की तरफ करके कोई बात ना समझाएं कुछ किसी किसी की आदत होती है कि हाथ उठा उठा फैला फैला करके बात समझाते हैं या उंगली दिखाने लगे कि ये सर आप ऐसा नहीं वैसा नहीं मैडम ऐसा नहीं तो वो थोड़ा सा इम्प्रेशन ख़राब कर सकता है यदि इंटरव्यू पैनल का कोई सदस्य आपसे पूछे कि क्या आप अपना रिज्यूमे या प्रमाण पत्र लेकर आए हैं तो यस सर कहें कि हाँ सर लेकर आए हैं और तब तक उनको रिज्यूमे प्रमाण पत्र देने की कोशिश ना करें जब तक कि वो आपसे मांगे नहीं उन्होंने आपसे पूछा है कि आप लाए हैं या नहीं तो बता दीजिए कि यस सर लाए हैं आप अपने पास रखे रहे जब वो कहें प्लीज़ दिखाइए तो आप उनको दे दीजिए तो जब तक मांगे नहीं तो ज़बरदस्ती उनको मत ठेलिए कि ये लीजिए सर ले लीजिए ऐसे मत करिए अगला है जहाँ से आप पास आउट हुए हैं उस संस्था शिक्षक स्टाफ की बुराई ना करें और यदि आप कहीं पहले जॉब कर चुके हैं तो अपने भूतपूर्व बॉस या सहकर्मियों की बुराई तो बिल्कुल भी मत करें ये अक्सर देखने को आता है ये सच्चाई है हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जहां से पढ़कर आया तो स्टूडेंट मैंने खुद देखा है कि इंटरव्यू पैनल के सामने एक स्टूडेंट गाज़ियाबाद से आया था तो बताने लगा कि सर जी हमारे यहाँ तो वर्कशॉप कभी खुलती नहीं हमारे यहाँ तो कोई पढ़ाता ही नहीं हमारे यहाँ तो कोई टीचर आता ही नहीं था हमारी तो बड़ी बुरी स्थिति थी मेरे सामने की बात है तो इस तरीके से बहुत ध्यान रखना है देखिए टीचर आते थे नहीं आते थे पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती आप इंटरव्यू देने आते हैं तो ये सब किसी यदि नि निगेटिव या नकारात्मकता आप प्रदर्शित करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल नकारात्मक है इसके अंदर निगेटिविटी भरी पड़ी है इसका मतलब है इसका पॉजिटिव बातों में कोई ध्यान नहीं है यदि मान लीजिए किसी ने नहीं भी पढ़ाया या कोई नहीं भी आता था तो खुद से भी आजकल सीखने के इतने सारे माध्यम हैं कि आप उन सारे माध्यमों से सीख सकते हैं यदि आप कोई कंपनी छोड़ करके आए हैं छोड़ने का मतलब पहले से काम कर रहे हैं दूसरी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो बॉस के बारे में बुराई ना करें सहकर्मियों की कि पूछें कि भाई क्यों आप वहाँ से नौकरी छोड़ कर आए यहाँ क्यों करना चाहते हैं तो करने लगे कि हमारा बॉस तो बहुत खड़ूस है और बॉस वो तो हमको छुट्टी नहीं देता है और हमारा वेतन काट लेता है वहाँ के सहकर्मियों का रवैया बड़ा ख़राब है ये सब बातें आपको नहीं बोलना है ये एक निगेटिव व्यक्ति की जो झलक होती है या बातें होती हैं वो ये नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छी बात करना है और बताना है कि सर करियर ग्रोथ के लिए मैं आपकी कंपनी में आया हूं क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आपकी कंपनी में मैं जॉब करूं तो इसलिए मैं सर वहां पर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इच्छा से मैं सर यहां पर जॉब करना चाहता हूं बहाने ना बनाएं बिल्कुल अपने जो निर्णय लिए हैं और जो आपके कार हैं उनके प्रति जवाबदेह बनना सीखें झूठ ना बोलें किसी भी बात पर इंटरव्यू पैनल के सदस्यों से बहस न करें कि कुछ उलझना शुरू कर दीजिए वो कई बार जांचने के लिए भी ऐसा बात जानबूझ के बोल देते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है छात्र या छात्रा का देखें यह भी चीज़ आती है दूसरा बहुत चिंता तनाव में न दिखें और ना ही कोई और बात सोचकर अपना दिमाग भटकाएं तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखे पता चले घर की टेंशन इधर उधर की टेंशन आप लेकर के बैठे हैं तो ये सब वहाँ पर नहीं करना है तो अपना मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाना है ये ध्यान रखना है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई बात समझाने के लिए कसम तथा गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल न करें कि बीच में बात करते ही कसम खाने लगे नहीं सर मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया मैं सर जी ये करता था या किसी को गाली गलौज करना शुरू कर दिए शब्द गलती से निकलने लगे आपकी आदत में पड़े हैं तो वो भी आपको नहीं करना है अगला है पान मसाला हो गया चिमिंग चिमिंग गम हो गया इलायची हो गया इत्यादि ना खाएं और इंटरव्यू के पहले धूम्रपान न करें कि वहाँ अंदर जाएं तो बदबू आने लगेगी जैसे सिगरेट पी के हैं तो ये सब आपको नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगला है मोबाइल हमेशा साइलेंट करके जाएँ मोबाइल ना बजने दें कि पता चले उनके सामने ही आपका मोबाइल का बैल आनी शुरू हो गया और कह रहे हैं सर सॉरी सर और निकालना शुरू कर दिया वहीं से तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता तो इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें ये ज़रूर आपको ध्यान रख लेना है अब हम बात कर लिए जो इंटरव्यू के दौरान डूज एंड डोंट्स क्या करने हैं क्या नहीं करना है अब कुछ और उपयोगी बातें जो आपको पढ़ाई के दौरान ही याद रखना है पहले से तो इंटरव्यू के लिए कुछ उपयोगी सामान्य बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपके हमेशा काम आएंगी उनको माइंड में बैठा लीजिए तो जब आप डिप्लोमा या डिग्री की पढ़ाई कर रहे हों इंजीनियरिंग कर रहे हों कोई भी कोर्स कर रहे हों तो अपनी ई मेल आई पर कोशिश करिए उसमें बना लीजिए स्वयं बना लीजिए और सीख लीजिए किसी मित्र की सहायता से या फिर ई को पढ़ना उसको कैसे बनाया जाता है कंपोज करना मैसेज लिखना और उसका पासवर्ड गोपनीय कैसे रखा जाता है और ईमेल नियमित रूप से चेक करना सीख लीजिए क्योंकि ईमेल और ये मोबाइल फ़ोन आज के समय में ऐसा माध्यम है जिसकी जिसमें सभी तरीके की सूचनाएं आपकी आती हैं तो ज़्यादातर ईमेल से ही आपका रिज्यूमे भेजा जाता है उसी में आपका आता है कि आपको कब आना है कहाँ आना है तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं एक छात्र के लिए इनको ज़रूर आप याद रखिए मोबाइल नंबर ऐसा दें जो आगे भी वर्किंग में रहे तो एक नंबर बना लीजिए हमेशा वही रखिए बार बार मोबाइल नंबर बदलने की आदत मत डालिए क्योंकि कई बार आप मोबाइल नंबर दिया रहता है वहाँ से अब कॉल आता है आपका लगे नहीं आप दूसरा नंबर ले करके बैठे हैं आप किसी को पता नहीं तो ये काम मत करिए आज के दौर में उपरोक्त दोनों चीज़ें अति आवश्यक हैं ये आपको भी पता है क्योंकि इससे आपके एक तो पता चलता है कि स्टूडेंट एडवांस है सारी चीज़ों की जानकारी रखता है और इसके सब अलावा जॉब से संबंधित किसी भी तरह के पत्राचार के लिए यही दोनों माध्यम सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं आज के समय में एक तो ई और दूसरा आपका मोबाइल नंबर तो एक चीज़ अभी और मैं महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं संदर्भ के लिए जिसको रेफरेंस कहते हैं कम से कम दो उच्च एकेडमिक बैकग्राउंड अथवा जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हों उनका पूरा नाम पदनाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इत्यादि उनसे अनुमति लेकर पहले से ही नोट करके रखें कई बार रेफरेंस मांगते हैं संदर्भ मांगा जाता है कि आप बताइए दो ऐसे टीचर्स का नाम दे दीजिए या दो ऐसे व्यक्तियों का बताइए जिनको आप जानते हों तो कोशिश करिए आप जहाँ से पढ़ें उनसे पहले से सर लोगों से कि सर वहाँ रेफरेंस मांगते हैं तो हम बताइए आपका नंबर दे दें दे। अगर आपका नाम कोई अगर दिक्कत ना हो तो कई बार वो लोग कंपनी वाले बात करते हैं कि आपके छात्र यहाँ आया है तो बताइए क्या करें तो आप नंबर जरूर पहले से पूछ नाम क्या है उनका पद नाम क्या है कहाँ पर वो हैं और उनका मोबाइल नंबर और ई तो ये मांगे तो ज़रूर दे दीजिए लेकिन जिनका आप नंबर दे रहे हैं मोबाइल नंबर नाम दे रहे हैं उनको ज़रूर अनुमति पहले से ले लीजिए बता दीजिए पता चले अचानक आप किसी का भी नाम लिखवा करके आ जाएं और वो फिर पूछा जाए उनसे बात करके तो वो कहें हमें तो पता नहीं ये तो फर्जी हमारा नाम लिखवा गया तो उससे आपके क्या होगा इंप्रेशन जरूर खराब हो जाएगा तो यह याद रखना है कि जिन ने आपको डिप्लोमा में पढ़ाया यदि उनका रेफरेंस देना है तो उनसे अनुमति आप अवश्य ले लें कंपनी वाले दिए गए रेफरेंसेस पर फोन करके आपके चरित्र के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं यह जरूर याद रखिए हमेशा साफ सुथरी तथा प्रेस की हुई ड्रेस पहने और पॉलिश किए हुए जूते पहनकर अपने आप को स्मार्ट लुक में रखें बालों की ड्रेसिंग करवा लें तथा नाखून बढ़िया कटे होना चाहिए इंटरव्यू के जा लिए जब आप जाएं तो वहां जाते समय अपने बैग में बिस्किट नमकीन इत्यादि तथा पानी की बोतल अवश्य रखें कई बार देखा गया है कि जॉब फेयर इत्यादि में जब जॉब फेयर लगता है तो वहां बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत समय लगता है सुबह आप पता चले सात आठ बजे से बैठे हैं और शाम हो जाए आठ नौ दस बज जाएँ तो तो आसपास कई बार ऐसी जगह होती हैं कि बिल्कुल आसपास कुछ खाने पीने का नहीं मिल पाता या मिल भी पाता है तो समय नहीं मिल पाता वहाँ जाने के लिए कब नाम ना पुकार लें तो आसपास कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल पाता तो उस स्थिति में उपरोक्त चीजों की सहायता से आप अपना ऊर्जा लेवल जो लेवल है जो एनर्जी लेवल है उसको बनाए रख सकते हैं तो ये भी डर है कि हम चले जाएंगे खाने के लिए कुछ तो हमारा नाम ना कहीं पुकार लिया जाए तो अगर आप बैग में ही रखे रहेंगे वहीं बैठे बैठे निकालेंगे बिस्किट नमकीन कुछ खा लेंगे पानी पी लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल कम से कम ऊर्जा लेवल वो मेनटेन बना रहेगा और आपको कोई उस तरीके से झिझा किया कोई एकदम से ए, वो नहीं होगा कि अरे हम कैसे जाएँ ना जाएँ तो भूखे प्यासे बैठे रहेंगे तो चेहरा मुरझा जाएगा मान लीजिए शाम तक नंबर ना आया और इन सब चीज़ों में पता नहीं चलता है और पूरा दिन निकल जाता है तो ये बड़ी मैं आपका आपको ये प्रैक्टिकल एक्सप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आप जब खुद जाएंगे तब आप खुद इन सब चीज़ों को अनुभव करेंगे तो भीड़ में से आपको कोशिश क्या करनी है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं तो आपका ही नंबर आए और आप खुश हो जाएं इस तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है और इंटरव्यू अपना देना है छात्राओं में भी बहुत सारी छात्राओं में जो होंगी वही छात्राएं चयनित होंगी जो अच्छे तरीके से स्वयं को प्रिपेयर किए होंगी तैयार किए होंगी तो बच्चों कैसा लगा मेरा आपको वीडियो ये जो इंटरव्यू के उपयोगी टिप्स टिप्स बताई मुझे फीडबैक दे करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी तैयारी जारी रखिए यदि कोई फील्ड कहीं छूट गई है आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर अवगत करा दीजिए ताकि मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके आप अप अपडेट कर सकूँ और आप एक अच्छे इंटरव्यू एक अच्छी जॉब पाने में इंटरव्यू के माध्यम से सफल हो सकें ऐसी मेरी शुभकामनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को ही करता हूं थैंक यू वेरी मच आपका दिन शुभ हो